सलाम फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोबिलिटी ऑफ क्लोराइड आयन इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस, दी हुई है। हाउ मच टाइम, कितना टाइम ये लेगा एक आयन के लिए जो कि ट्रेवल कर रहा है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो कि सेपरेट हो रही हैं 4 सेंटीमीटर से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर है तो। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वी इज इक्वल्स टू म्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर जो आपका ये म्यू है वो तो बता रहा है मोबिलिटी, और जो ई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, यहाँ पर इसमें लगेगा। और इस सिंपल से फार्मूले से आप इसका टाइम भी निकाल सकेंगे, मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से निकालेंगे। तो एक ये सिंपल सा एक ये वाला फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, जहाँ पर मोबिलिटी आपको दी हुई है, मोबिलिटी गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। तो हम सिंपल से वो डालते हैं जल्दी से। वी इज इक्वल्स टू मोबिलिटी कितनी है, 7.91 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट मीटर इन टू, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब हमें क्या करना है इसके बाद में, इसको सॉल्व नहीं करते इतना क्योंकि आगे जाके हमें और सॉल्व करना है। तो हम सिंपल से लगा देते हैं फॉर्मूला, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है। तो हम लगाते हैं टी इज इक्वल्स टू डी ओवर वी, और यहाँ पर वी जो है वो ये दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको सॉल्व कर लेना, चाहे तो ऐसे ही लिख देना। ठीक है, तो अब हम इसके बाद में देखते हैं डी क्या दिया हुआ था, हमें ऊपर दिया हुआ था डी 4 सेंटीमीटर, ये डी की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं जो कि डी है, सेपरेशन है। तो डी 4 ओवर, और सिंपल से इसको जल्दी से डाल देते हैं, 10⁻⁴ × 20, दिस आ गया। अब हमें जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 252 सेकेंड, दिस इज द आंसर ऑफ टी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको किस में डाला हुआ है, मिनट्स में डाला हुआ है। ठीक है, तो हमें सेकंड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि 1 सेकंड के लिए 1/60 मिनट होते हैं, तो 252 सेकंड के लिए कितने मिनट होंगे भाई, 252 सेकंड ओवर 60 मिनट आ जाएगा यहाँ पर। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 4.2 मिनट। तो दिस इज टी। तो टाइम कितना, कितना टाइम उसने लिया है एक आयन के लिए, तो वो हो जाएगा 4.2 मिनट। और यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखते हैं कि 4.2 मिनट है भी दिया हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, हाँ दिया हुआ है, दैट इज सी, तो 4.2 मिनट। तो द ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए क्वेश्चन के साथ, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।